नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे जो स्टॉक्स खबरों में हैं, जिनके क्वार्टर थ्री के नंबर्स आए हैं, उनके बारे में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं और होप आपको आपका जवाब मिल जाएगा, आपका सवाल भी इन स्टॉक्स में से ही कोई से स्टॉक्स पे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ी हो सकती है। सबसे पहले लुपिन अपने नंबर्स पेश करता हुआ दिखा है। अगर इसके नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने 546 करोड़ के सामने 153 करोड़ का पेश करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि प्रॉफिट काफी हैवीली घटता हुआ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 130 करोड़ के सामने 153 करोड़ का है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है। अनुमान बाजार का 194 करोड़ का था, जिसके सामने 153 करोड़ के प्रॉफिट पेश कराया कंपनी ने, तो ये थोड़ा सा कमजोर रह गया है नंबर। अगला पैमाना देखें, एबिटा कामकाजी मुनाफा देखें तो 370 करोड़ से बढ़कर 533 करोड़ पे आया, तो तंगड़ा है कामकाजी मुनाफा, तंगड़ा है। दैट मींस टैक्स वगैरह में कहीं पे दिक्कत आई है, एबिटा तो अच्छा दिख रहा है और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को भी बीट करा है एबिटा ने, तो नंबर्स आप कह सकते हैं इनलाइन या फिर अच्छे। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन को भी बीट करा है, एस्टिमेट को बीट करा है। 12.32% पे एबिटा मार्जिन आए, 8.89% से बढ़कर 12.2% का अनुमान था, तो मेरे को लगता है मार्केट को इस नंबर्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पोस्ट करा है 172 करोड़ रुपीस का। अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो लगभग 2200 करोड़ के नुकसान के सामने कंपनी मुनाफा करते हुए दिखी है 172 करोड़ का, तो नुकसान से मुनाफे में आई है कंपनी, एंड अनुमान जो था वो अराउंड 560 करोड़ के नुकसान का था, तो इन नंबर्स को मार्केट पॉजिटिवली लेगा, डेफिनेटली लग रहा है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें, पहले हम एबिटा प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो लगभग 1500 करोड़ के कामकाजी नुकसान के सामने कंपनी का 1671 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया, बहुत शानदार है। अच्छा, ये कामकाजी वगैरह आपको शायद चीजें समझ में आती है क्या, एबिटा व्हाट इज एबिटा और नेट प्रॉफिट, इन दोनों चीज में क्या फर्क है? नहीं आती है चीजें समझ में तो टेंशन मत लीजिए, संडे को हम आपके लिए एक कोर्स ला रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। ये रिजल्ट्स के A to Z पैमाने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कौन से स्टॉक को किस तरीके से कंपेयर करना है, एबिटा क्या है, एबिट क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, मैं आपके साथ धीरे धीरे सब कुछ शेयर करूंगा। बट मैं आपके साथ अभी बात चली तो एक साथ दिमाग में आ गई, बता दिया, अभी मैं इस पर तैयारी कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 4 वीडियोस आएंगी इस पूरे कोर्स में एंड सब कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा, एंड बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे रखेंगे हम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एबिटा जो मैंने आपको बताया, अनुमान जो था वो 920 करोड़ का था, तो काफी अच्छा है उसके सामने, तो इसको भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। LIC की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने अराउंड 6334 करोड़ का पेश करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 15950 करोड़ से कहीं ना कहीं ये आपके लिए घटकर आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 235 करोड़ के सामने 6334 करोड़ का है, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे मल्टीफोल्ड हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हाफ से भी कम रह गया है। लेट्स सी मार्केट इसे कैसे लेता है, इसके मैं कह नहीं पाऊंगा, तो इसको देखते हैं कैसे मार्केट लेता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। जोमेटो, एक कमेंट मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग आया जब मैंने जोमेटो की वीडियो शेयर करी थी कि इसके नंबर्स अच्छे हैं। मैंने जोमेटो में ऐसा कहा कि लॉस जो है वो कंपनी का 347 करोड़ के समथिंग आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इससे भी बड़ी थी, तो नंबर अच्छे लग रहे हैं। तो कहेंगे भाई, उन्होंने कहा है लॉस बढ़ रहा है और आप कह रहे हो नंबर अच्छे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमें नुकसान है या फायदा हो रहा है ये देखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि बाजार क्या सोच रहा है। बाजार ऑलरेडी सोच रहा था कि नुकसान तो करेगी कंपनी, लेकिन 400 करोड़ का नुकसान करेगी ये सोच रहा था, लेकिन कंपनी ने 347 करोड़ का लॉस पोस्ट करा, दैट मींस मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम करा, तो इसलिए मुझे पॉजिटिव लगे। अगले स्टॉक की बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजी, एमटार की बात करते हैं। चलिए एमटार का स्टॉक के नंबर्स आज के सेशन में आए, कैसे आए देख लेते हैं। तो एमटार टेक्नोलॉजीज की बात करें, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 31 करोड़ का पोस्ट करा है कंपनी ने, 25 करोड़ से बढ़कर आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो 13 करोड़ के सामने 31 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, तो दोनों ही पैमाने पे अच्छा दिख रहा है, बढ़कर आया। एबिटा कामकाजी मुनाफे की बात करें तो लगभग 22 करोड़ के सामने 45 करोड़ का आया, डबल हो गया ऑलमोस्ट, तो काफी अच्छा दिख रहा है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें 29.19% से घटकर 28.21% पे आए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये रहे आपके लिए एमटार के नंबर्स ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कोई इशू नहीं दिख रहा है। IRCTC नंबर अच्छे हैं, 3.5 रुपए का, 3.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस करा है, एंड पूरी पर्टिकुलर वीडियो बनाई है मैंने आप सभी के लिए, आप जाके वो भी देख सकते हैं मोर डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट हिंडाल्को, नंबर्स खराब थे
लेकिन स्टॉक का प्राइस भागा। इसके पीछे का रीजन ये था कि नोबलिस जो इनकी जो एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड में, वो अपने आगे के आउटलुक को लेकर रोबस्ट होते हुए दिखे। बहुत ही तंगड़ा आउटलुक आगे के लिए दिया उन्होंने, कहा कि क्वार्टर फोर में डिमांड कहीं ना कहीं हैविली बढ़ेगी और प्राइजेस भी बढ़ेंगे और आगे चलकर एल्यूमिनियम की सप्लाई कम हो सकती है और डिमांड आसमान छू सकती है चाइना के ओपनिंग अप से। तो ये चीज इतनी अच्छी लगी बाजार को कि हिंडाल्को का शेयर भी 2% भाग गया। अगला क्वार्टर टर्न अराउंड होगा ऐसा खुद कंपनी बोल रही है नोबलिस। तो ये इसी के चलते हिंडाल्को के नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव रूप में बदल गए कमेंट्री की वजह से। नेक्स्ट वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, इस स्टॉक के नंबर्स नहीं आए लेकिन ये खबरों में है। रीजन, कल प्रमोटर्स लगभग 850 करोड़ की सेलिंग करेंगे। डिटेल के लिए इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, कल आ सकती है बड़ी गिरावट करके। अदानी ग्रुप के बारे में बात करें तो देखिए खबरों के अंदर फंसा हुआ है और आज कोई खबर पॉजिटिव आई नहीं है। लेट्स सी कल क्या आता है, कल कोई अगर फ्रेश न्यूज आएगी तो वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कंटिन्यू गिरावट हो ही रही है। अदानी टोटल गैस के नंबर आए थे आज के सेशन में, जो नंबर्स तो ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।